नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि IUI प्रक्रिया क्या होती है। IUI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन एक बहुत सिंपल, बहुत कॉमनली यूज ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है इनफर्टिलिटी के कपल्स के लिए। आइए जानते हैं कि IUI किन पेशेंट्स में एडवाइजेबल होता है। तो वे कपल्स, वे पेशेंट्स जो के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं बट फिर भी वो कंसीव कर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो पेशेंट्स अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के होते हैं वो IUI के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, वे पेशेंट्स जिसमें फीमेल को ओवुलेशन होने में दिक्कत आ रही है या अंडा पक के फूटने में दिक्कत आती है, वे पेशेंट्स IUI के लिए जा सकते हैं। थर्ड पेशेंट्स वो कैटेगरी होती है जिनमें माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस हो ग्रेड 1 या 2, उनको भी IUI से मदद मिल सकती है। इसके अलावा वो कपल्स जिनमें इंटरकोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम हो, जैसे कि वाइफ में वजाइनिसमिस हो या पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ऐसे में भी वे IUI की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन मेल पार्टनर में सीमन पैरामीटर्स माइल्ड डिरेंजमेंट के हो, बहुत सीवियर एबनॉर्मैलिटी ना हो, या फिर मेल पार्टनर में एजुओस्पर्मिया हो और कपल डोनर सीमन IUI के लिए जाना चाहता हो, तो उस स्थिति में भी IUI मददगार साबित हो सकता है। बट IUI करने से पहले कुछ बातें ज़रूरी हैं, जैसे कि फीमेल पार्टनर का ट्यूब टेस्ट होना ज़रूरी है, उनकी ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए यदि हम किसी पेशेंट का IUI प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला कि सीमन पैरामीटर्स माइल्ड डिरेंजमेंट के होंगे तो ठीक है, बट अगर सीवियर डिरेंजमेंट है मेल के सीमन पैरामीटर्स में तो IUI बहुत मददगार साबित नहीं होता है। और नेक्स्ट, पेशेंट यंग एज की हो, उसका रिजर्व ठीक हो, तो भी IUI के सक्सेस के संभावनाएँ थोड़े बेटर हो जाते हैं। तो IUI प्रोसेस के लिए हम सेकेंड या थर्ड डे से पेशेंट को बुलाते हैं, फीमेल पार्टनर का ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके उसके एग्स की स्टेटस और यूट्रस की स्टेटस देखते हैं। उसके बाद उनको ओवुलेशन इंडक्शन की ड्रग्स, जो कि ओरल भी हो सकती हैं, इंजेक्टेबल भी हो सकती हैं, उनके द्वारा उनके एग्स को ग्रो किया जाता है। फिर बीच बीच में उनका TVS या अल्ट्रासाउंड करके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। जब एग्स का साइज मेच्योर हो जाता है तब रप्चर के लिए ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं और ट्रिगर के इंजेक्शन देने के 24 to 48 आवर्स में हम IUI प्लान करते हैं। जिस दिन IUI प्लान करते हैं उस दिन मेल पार्टनर से सीमन कलेक्ट करते हैं, उसको वॉश करके, प्रिपेयर करके, अच्छे गतिशील शुक्राणु एक साथ कलेक्ट करके एक कैथेटर में लोड करके फीमेल पार्टनर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद पेशेंट को 20-30 मिनट्स का रेस्ट दिया जाता है और कुछ मेडिकेशन एडवाइस करके हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। इट इज़ जस्ट अ 10 मिनट्स प्रोसीजर और पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। IUI का ओवरऑल देखें तो किसी एक साइकिल में सक्सेस रेट 10 to 15% ही होता है। अगर क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट 3 to 4 साइकिल का देखें तो ये 15 to 20% तक जाता है। बट ऐसा देखा गया है साइंटिफिक स्टडीज़ में कि मोर देन 3 to 4 साइकिल्स IUI का सक्सेस रेट नहीं बढ़ता है। तो यदि कोई कपल 3 to 4 बार IUI ट्राई कर चुका है, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उन्हें फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि IVF के लिए जाना चाहिए। तो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट IUI। यदि इससे संबंधित आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई समस्या है, तो अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के इनफर्टिलिटी यूनिट में आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।